Not a yes, sir. Not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat. चीन से सरहद पर तनातनी के बीच सोमवार को भारत सरकार ने 59 ऐप्स बंद करने की घोषणा की। इन ऐप्स में लोकप्रिय सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक और वीचैट भी शामिल हैं। अलीबाबा ग्रुप के यूसी ब्राउजर, फैशन वेंडर शाइन और बाइडू मैप्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ऐप्स और पर्सनल कंप्यूटर दोनों पर किया जाता है। भारत सरकार ने अपने इस फैसले को आपातकालीन उपाय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। भारत और चीन की सेना लद्दाख में सरहद में आमने सामने हैं। दोनों देशों की सेनाओं की हिंसक झड़प में 15 जून को 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, यह पाबंदी सुरक्षा, संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए जरूरी है। हम भारत के नागरिकों के डेटा और पर किसी तरह की सेंध नहीं चाहते। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, हमें कई स्रोतों से इन ऐप्स को लेकर शिकायत मिली थी। एंड्रॉइड और आईओएस पर ये ऐप्स लोगों के निजी डेटा में भी सेंध लगा रहे थे। इन ऐप्स पर पाबंदी से भारत के मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता सुरक्षित होंगे। ये भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए जरूरी है। भारत सरकार ने अपने बयान में चीन या चीनी कंपनी का नाम नहीं लिया है। इस बात का जिक्र भी नहीं किया है कि ये पाबंदी कैसे लागू होगी। भारत सरकार के इस फैसले पर अब टिकटॉक की प्रतिक्रिया आई है। टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा, भारत सरकार ने 59 ऐप्स पर पाबंदी को लेकर अंतरिम आदेश दिया है। बाइट डांस टीम के 2000 लोग भारत में सरकार के नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें गर्व है कि भारत में हमारे लाखों यूजर्स हैं। टिकटॉक ने अपने बयान में ये भी कहा कि हम लोग भारत सरकार के आदेश को मानने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम लोग सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। टिकटॉक डेटा की निजता और भारतीय कानून के हिसाब से सुरक्षा जरूरतों का पालन करता है। हम भारतीयों का डेटा किसी भी विदेशी सरकार के साथ साझा नहीं करते, यहाँ तक कि चीन की सरकार को भी नहीं देते। हम यूजर्स की निजता का मजबूती से सम्मान करते हैं। टिकटॉक इंडिया के प्रमुख निखिल गांधी का कहना है कि टिकटॉक ने इंटरनेट का लोकतांत्रिकरण किया है। 14 भारतीय भाषाओं में है। भारत में लाखों की संख्या में यूजर्स हैं। ये उनके लिए मंच है जिनकी प्रतिभा अनदेखी रह जाती है। कई तो ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल टिकटॉक से ही जाना है। टिकटॉक ने कोरोना वायरस को लेकर पीएम केयर्स में 30 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया था। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत सरकार के इस फैसले पर लिखा है कि ये कदम ऐसे वक्त में लिया गया है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारतीय सैनिकों ने चीन से लगने वाली सीमा को पार कर गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया और चीनी सुरक्षा बलों पर उकसावे वाला हमला किया। इससे 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारत के सीमा सुरक्षा बलों के बीच जानलेवा झड़प हुई। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि तब से ही भारत में उग्र राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है और चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें बड़े पैमाने पर साझा की जा रही हैं जिसमें भारतीय नागरिक चीन में बने टीवी तोड़ रहे हैं। 59 प्रतिबंधित ऐप्स में चीन का ट्विटर जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो भी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेरिफाइड अकाउंट है और 2,40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के एक विभाग इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने दुर्भावनापूर्ण ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। कई भारतीय कंपनियां इसे भारत सरकार का स्वागत योग्य कदम बता रही हैं। टिकटॉक से प्रतिस्पर्धा में रहने वाले वीडियो चैट ऐप रोपोसो की मालिकाना कंपनी इनमोबी ने कहा कि यह कदम उसके प्लेटफॉर्म के लिए बाजार खोल देगा। वहीं भारतीय सोशल नेटवर्क शेयरचैट ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। टिकटॉक के प्रतिद्वंदी बोलो इंडिया कहा है कि उसके बड़े प्रतिद्वंदी पर प्रतिबंध लगाने से उसे फायदा मिलेगा। एक बयान में कोफाउंडर और सीईओ वरुण सक्सेना ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि हम सरकार की चिंताओं को समझते हैं। ये बोलो इंडिया और दूसरे भारतीय ऐप्स के लिए एक अवसर भी है कि वो भारतीय संस्कृति और डेटा सुरक्षा को पहली प्राथमिकता पर रखते हुए बेहतरीन सेवाएं दे। विश्लेषकों का कहना है कि ये कदम चीनी ऐप्स पर असर डालेगा। भारत में चीनी निवेश पर नजर रखने वाले लिंक लीगल के सहयोगी संतोष पाई ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, सामरिक दृष्टि से देखें तो इससे आर्थिक दबाव बढ़ेगा क्योंकि ये ऐप्स भारतीय बाजारों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो भी ये एक मजबूत कदम है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार वाले मसलों को अदालत में चुनौती देना मुश्किल होता है। वो ये भी कहते हैं कि क्या भारतीय ऐप्स इस जरूरत को पूरा कर पाते हैं या अमरीकी ऐप मार्केट शेयर पर कब्जा कर लेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं भारतीय सोशल ऐप्स के निवेशकों का कहना है कि चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगने की वजह से प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी।